अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं कामरान, आप देखना शुरू कर चुके हैं K4U न्यूज। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले बर्री पंचायत के रजघट्टा गांव में चार घर जो है आग के जद में आया था और भीषण आग लगी थी कि हजारों लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे साथ ग्रामीण लोग भी यहाँ पर मौजूद है, उसके अलावा इमारत सरिया के मधुबनी सेक्रेटरी परवेज आलम, जिला पार्षद पति जुबैर अहमद और हमारा सरिया के ब्लॉक सेक्रेटरी शाहिद हसन कासमी साहब, नायब सेक्रेटरी मौलाना कारी मुबीन साहब, बसैठा पंचायत से मौलाना हुसनुर रहमान साहब मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे कैसे आग लगी थी और कितना फंड लोगों को दिया गया है, कैसे आम लोग उनकी मदद किए हैं और किस तरह से जो है लोगों को सहायता पहुंचाने का इन्होंने काम किया है और इमारत सरिया जो तंजीम है वो किस तरह से ग्रामवासियों के लिए फंड कलेक्शन की है, रेस की है। यहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए जिनका घर जला है क्या रोड मैप तैयार कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को अपने माध्यम से या आवाम के माध्यम से फायदा पहुंचाएंगे? देखिए, ये तो चूंकि जो इनका घर जला है सरकारी प्रावधान के तहत जो उनकी मदद होगी वो तो एक अलग है। यहाँ इंसानियत के नाते हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और ये जो हमारी तंजीम है इमारत सरिया, उस प्लेटफॉर्म से हर गांव के लोगों ने अपने हैसियत के मुताबिक वक्ती तौर पे जैसे ही खबर मिली उस खबर के मुताबिक लोग हाजिर हुए और उनकी मदद किया है। आगे भी जो इनकी हालत है, जैसे इनका कुछ नहीं बचा है, तो हम अपील करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी मदद करें और हर गांव में इमारत सरिया की टीम मौजूद है, उनके जरिए जहां तक उनको मदद पहुंच सकती है और ये सबसे सरल और आसान तरीका है। हम समझते हैं कि उसके माध्यम से अगर इनकी मदद की जाए तो ज्यादा बेहतर। शुक्रिया। तो अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए इमारत सरिया के मकामी सेक्रेटरी मौलाना हुसनुर रहमान साहब है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे यहाँ आग लगने के बारे में? जैसे ही मौलाना शाहिद हसन कासमी साहब के जरिए मालूम हुआ और वो मौलाना शाहिद हसन कासमी साहब बेनीपट्टी ब्लॉक के सेक्रेटरी हैं और इमारत सरिया की तरफ से नुमाइंदा उनको बनाया गया है, तो हर मुसीबत के मौके पर बहुत ही मुतहर्रिक और फाल रहते हैं। जहाँ भी कोई भी मुसीबत आए किसी के साथ भी, तो वो खड़े नजर आते हैं और इमारत शरिया तंजीम पूरे बिहार के लिए वो हर मुसीबत की घड़ी में खड़ी नजर आती है। इसी ताल्लुक से जैसे ही यहाँ मालूम हुआ कि रजघट्टा के अंदर चार घर में आग लग गई है, तो हम लोग आए और शाहिद हसन कासमी साहब ने 2,000 करके तकरीबन, वो और भी कुछ लोग थे उन्होंने भी डाउन किया, जैसे जुबैर साहब है और भी जो साथ में आए हुए थे, तकरीबन 3,000 से 4,000 तक हर फर्द के लिए, चारों फर्द के लिए उस वक्त दिया गया। उसके बाद फिर शाहिद हसन साहब ने एक मुहिम चलाई टाउन के लिए, हर मस्जिद में जुमा के दिन करीब 10-15 गांव के अंदर, और एक अच्छी खासी रकम उन्होंने जमा की जो लाख से ऊपर रकम है। इसी तरह वो अनाज है, कपड़े हैं। उसके बाद जो हमारे मुखिया साहब हैं परवेज साहब, जो मधुबनी जिला के जनरल सेक्रेटरी हैं और बेनीपट्टी ब्लॉक के सदर हैं, इनके साथ शाहिद हसन साहब ने ये तरतीब बनाया कि वहां जाकर के जो भी रकम है और जो भी अनाज जमा हुआ है वो सबको तकसीम किया जाए। उसी गर्ज से हम लोग आज परवेज मुखिया साहब के जरिए साथ हम लोग आए। इसी तरह कारी मुबीन साहब हैं, ये भी इमारत शरिया के अहम जिम्मेदार है, नुमाइंदा हैं, और है इसी तरह मौलाना मोहम्मद अली कासमी साहब हैं, ये भी हम लोगों के साथ आए, मौलाना उदैर साहब हैं। तो ये सब लोग इस मुहिम में शरीक रहे और यहाँ सब लोगों को जो भी रकम थी वो तकसीम करके उन लोगों के हवाले किया गया है और मजीद कुछ लोगों ने वादा किया कि इन लोगों का एस्बेस्टस है या पिलर है, यानी मकसद ये है कि पूरा घर जिस तरह था उस तरह घर इनका बना दिया जाए। इंशाल्लाह वो भी सब लोग मेहनत करेंगे, वो मुखिया साहब परवेज साहब हो या शाहिद हसन साहब हो, वो किसी वजह से नहीं आ पाए हैं। इसी तरह असल में इमारत शरिया तक ये पैगाम पहुंचा, यहाँ के बारे में खबर पहुंची, तो मौलाना शिबली साहब जो इमारत शरिया के नाजिम हैं उन्होंने बताते खुद इरादा किया कि हम खुद वहां आएंगे और जायजा लेंगे, उसके बाद इमारत शरिया की तरफ से बड़ा ताउन भी किया जाएगा। लेकिन किसी इलाके में आग लग गई, वहां बहुत ज्यादा बहुत बड़ा हादसा पेश आया, तो वो यहाँ नहीं आ सके और उन्होंने कहा कि जो हो सकता है वो आप लोग कीजिए और किसी मौके पर हम भी जो इमारत शरिया की तरफ से है वो ताउन वहां से किया जाएगा। तो इंशाल्लाह जो भी यहाँ परेशानी हुई है, जो भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई, उसकी तलाफी पूरे तौर पर की जाएगी और इमारत शरिया जो हर मौके पर सारे लोगों के साथ खड़ी रहती है वो इंशाल्लाह इस मौके पर भी है,
ये जितना भी यहाँ पर ताउन किया गया है और किया जाएगा वो सब इमारत शरिया ही के प्लेटफॉर्म से किया जा रहा है और किया जाता रहेगा इंशाल्लाह। मौलाना कारी मोमिन साहब हमारे साथ, अब मुझे ये बताएं कि इस नेक मकसद के लिए, लोगों की मदद के लिए अब तक जो है क्या कुछ ताउन हो पाया है, क्या कुछ फंड कलेक्शन हो पाया है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और इस गांव के तमाम सरकर्दा हजरात का शुक्रगुजार हूँ और खुसूसन इमारत शरिया की जो टीम मोहम्मद परवेज आलम साहब जो मधुबनी जिला के इमारत शरिया के जनरल सेक्रेटरी हैं और बेनीपट्टी ब्लॉक के सदर हैं और हजरत मौलाना शाहिद हसन साहब कासमी जो बेनीपट्टी ब्लॉक के सेक्रेटरी हैं, उनके तआवुन से पूरे इलाके में खुसूसन गर्री रजघट्टा बसैठा तमाम इलाके में काम किया गया हरकत में ला करके और इस मुसीबत घड़ी वक्त में औकात में हम लोगों ने आकर के इमारत शरिया के प्लेटफॉर्म से जुबैर साहब जिला पार्षद पूरे इलाके से लोग इकट्ठा होकर के हम लोगों ने काम किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हम लोगों के इस काम को, तमाम रफका के इस काम को कबूल फरमाए और इमारत शरिया को तरक्की अता फरमाए और जिन लोगों का घर जला है, जिन लोगों को ये परेशानी हुई है, अल्लाह ताला उसकी परेशानी को दूर फरमाए और अल्लाह ही उस परेशानी को दूर करेगा। हम लोग तो इंसानियत के नाते खड़े होकर के तआवुन किया है और इलाके से अल्हम्दुलिल्लाह अनाज की शक्ल में भी और रकम की शक्ल में भी इकट्ठा किया गया है, सब कुछ उनके हवाले कर दिया गया है और ये ताकीद भी कर दी गई है, नमाज रोजे की ताकीद भी की गई है, हिदायत भी दी गई है और ये भी कह दिया गया है कि आप जल्द से जल्द अपने घर का काम शुरू करें। बुनियादी तौर पर इंशाल्लाह आपके घर का भी काम होगा और मुमकिन है कि कायम मकाम नादिब इमारत शरिया है मौलाना शिबली अल कासमी साहब भी दो चार दिन के अंदर अंदर तशरीफ लाएंगे, फिर इंशाल्लाह हम लोगों की हाजिरी होगी। यही हम लोगों का मकसद है, अल्लाह ताला इस मकसद को कबूल फरमाए। शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ मौलाना मोहम्मद अली कासमी साहब भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये कब आग लगी और कैसे आपको मालूम हुआ, कैसे जानकारी? ये आग का जो है मुझे जो इल्म हुआ, ये बेनीपट्टी ब्लॉक के जनरल सेक्रेटरी मौलाना शाहिद हसन कासमी साहब से फोन के जरिए से बात हुई। उन्होंने ये चार पांच रोज पहले बताया कि जो है रजघट्टा के अंदर जो है आग लगी है और चार घर जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो जल गया है। तो उसी दिन जो है अपने कहा के साथ में चलना है और का जायजा लेना है और फौरी तौर पर जो हो सके इंशाल्लाह ताउन करना है। मैं किसी वजह से उस दिन शरीक नहीं हो सका लेकिन मौलाना से बराबर रबते पर रहा और फिर आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता जुमा को, अभी जो जुमा गुजरा है उसके अंदर जो है लोगों से ताउन की अपील की गई और एक अच्छी खासी रकम जो है जमा करके जो लोग जिनका नुकसान हुआ है उन तक पहुँचाया गया है। इसी सिलसिले में हम लोग इमारत शरिया प्लेटफॉर्म से यहाँ पर जो है शरीक हुए हैं ताकि जो लोग जरूरतमंद है जिनका घर जला है उनकी जरूरतों को पूरी की जा सके। फाइनली मौलाना उजैर कासमी साहब है हमारे साथ, जिनसे बातचीत करेंगे। अब मुझे बताएं, अभी जो मैं देख पा रहा हूँ कि अभी लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस हुई है, लोग ज्यादा अवेयर हुए हैं, देख रहे हैं कि हर लोगों की मदद कर रहे हैं बिना कोई भेदभाव के, क्या कहेंगे इस पूरी चीजों को कैसे देखते हैं? जैसा कि तमाम लोगों को ये बात मालूम है और हमारे मौलाना मुफ्ती हुसनुर रहमान साहब ने भी तफसीली तौर पर बताया है कि रजघट्टा गांव के अंदर जो ही आग की खबर फैली तो हजरत मौलाना शाहिद साहब कासमी ने इलाके के तमाम उलमाए किराम को आनन फानन फोन किया गया और एक मुतहर्रिक तौर पर उन्होंने एक मुहिम चलाई और इस फायदा पहुंचा रहे हैं।